उनको। यहाँ देखो दोस्तों, मेरे को इतनी ज्यादा ठंड लगी हुई थी, मैं बारिश में था ऐसे पीछे बैठा और मेरी मम्मी कंटिन्यू कॉल कर रहे हैं। सबकी मम्मियाँ करती है, मैं अकेले कर रही हूँ, टेंशन मम्मी को। Hey guys, what's up? कैसे हो आप सब? This is Sanjay Chauhan. Welcome back to another vlog. पिछले vlog में आपने देखा था कि हम चैल चौक से निकल गए थे अपने घर की ओर, मेरी हालत दिखाई थी, तो अभी हम उसी मोड़ पे हैं जहाँ पे पिछला vlog खत्म किया था, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब चलते हैं घर की ओर। टाइम हो चुका है, रात के 8 बज चुके हैं। चल भाई जी, निकलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। भाई हालत टाइट कर दी इस बारिश ने, यहाँ देखो सीट भी गीली है, गीली सीटों पे बैठना पड़ रहा है यार। ठीक है गौ माता, भाई इस वाले ब्लॉग में पहुंचना है हमने, मतलब कि पहले 3 मिनट में ही घर पे। ठीक है, गिरते पड़ते हम पहुंच ही जाएंगे जैसे पिछले वाले ब्लॉग में गिरे थे हम। ये बारिश है ना, रुकने का नाम हिल ले रही, मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। ओए ओए, सीधा चला। इसे यहाँ पे बहुत ज्यादा कीचड़ है ना, उस वजह से ऐसा हो रहा है, डर लग रही है मेरे को। पिछले ब्लॉग में तो गिरे थे, इस ब्लॉग में नहीं गिरना चाहते। इस बार मैं सेफ लेके जाऊंगा इसको, इस बार नहीं गिराऊंगा भाई, कोशिश तो यही रहेगी। मेरे एरिया में अभी भी रोड का काम चला हुआ है, अभी भी पूरी तरह से थ्रू नहीं है। सॉरी दोस्तों, ये असल में साइड में काम चला हुआ था, रोड साइड में था और रोड से हम निकल गए, ये किसी का पर्सनल काम चला हुआ था, थोड़ी गलत कर। फाइनली गाइस, फाइनली यार, से हाथ भी नहीं चल रहे मेरे। क्या जाम हो गया था। मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल ब्लॉग आज का ये है। सबसे पहले तो ये हेलमेट उतार दूंगा ना, बुरे हाल हो गए यार गाइस आज, कसम खुदा की। पर अब हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन, अब बस घर यहाँ से कुछ ही कदमों की दूरी में है। मम्मी पापा से मिलते हैं और आप लोगों को भी मिलाता हूँ। तो फाइनली रात के 9 बज चुके हैं हमें यहाँ पहुँचते, सुबह 10 बजे के हम निकले थे, अब देखो रात के 9 बजे पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे। नहीं, इसकी आवाज सुन के आपको भी लग रहा है कि इसकी फटी पड़ी है पूरी तरह। बहुत ठंड लगी है भाई, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है मेरे वैसे तो। और तेरे ब्लॉग के लिए बोलना पड़ रहा है, बोलना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। ये पुल के लिए? हाँ पुल के लिए, जो बाढ़ से हमारा पुल टूट गया था ना, वो पुल बनाने के लिए। देखो यहाँ बैरक्स, चलो कल दिखाऊंगा ये। यहाँ देखो दोस्तों, फ्लड के बाद ऐसे चलना पड़ता है हमारे को हमारे गाँव में। दोस्तों अब जाकर हम पहुंच चुके हैं हमारे घर के गेट के पास, तो चलो अंदर। हमेशा जब भी घर आता हूँ बहुत ज्यादा खुशी होती है मेरे को। पहले ये जैकेट खोल देता हूँ यार, ये गीला है। होम स्वीट होम, हाँ होम टूर की वीडियो चाहिए तुम लोगों को, बताना कमेंट में है ना, मैं होम स्टे का टूर दूंगा तुम लोगों को। तुम मम्मी पापा अंदर होंगे, किचन में होंगे आई गैस। फोन कर करके ना मेरा फोन ही डेड कर दिया गाइस। अभी उनको बताते हैं हम पहुंच गए हैं। माँ नमस्कार माते, जुकाम लगा हुआ। यहाँ देखो दोस्तों, मेरे को इतनी ज्यादा ठंड लगी हुई थी, मैं बारिश में था ऐसे पीछे बैठा और मेरी मम्मी कंटिन्यू कॉल कर रहे हैं। सबकी मम्मियाँ करती है, मैं अकेले नहीं कर रही हूँ, टेंशन होती है मम्मी को। मैंने बोला था मम्मी बारिश हो रही है यहाँ पे, बताया भी था मम्मी कंटिन्यू कॉल। एक जेब में भाई जी का फोन यहाँ था, मेरा यहाँ था, एक जेब में कभी भाई जी के फोन में कभी, यहाँ उठा के देखो तो मम्मी बार बार ही कॉल। क्या बना रहे आप? भाजी कहे? चलो भाजी से मिल के आते हैं। और गिल्ले कपड़े, मेरे ठंड लग रही है आपको। चलो फिर, झुका भी नहीं जा रहा ठंड से, ऐसा अकड़ गया हूँ मैं, बहुत ज्यादा ठंड है गाइस। अच्छा कैमरा देखना है पावजी ने, जो हमने कैमरा लिया था ना वो इन्होंने देखा नहीं है, तो दिखाते हैं इनको कैमरा। आपने भी देखना कैमरा? हाँ देखना। ठीक है दिखा इनको। हाँ दिखा यार, दिखा मेरे को। तो पापा को दिखा रहे हैं, पापा का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे हम जरा न्यू कैमरा में। स्लिम सा कैमरा है बहुत ही। ये कैमरा अच्छा।
ऐसे खुद इसमें छोटा लेंस लगा के देखता हूँ मैं, उससे दिख जाएगा आपको। छोटे लेंस से होता है ऐसा ना, ज्यादा एरिया कवर होता है पीछे। ये गया मैच घुमाना, ये टक की आवाज आई मतलब लग गया। अब इसको करना आपने ब्लॉगिंग करने के लिए, ऐसा करना इसको ब्लॉगिंग करने के लिए। ये किया आपने ऑन, ये घुमा दिया आपने वीडियो में, ये हो गया जी। सब मेरा कितनी इतनी लग गया मेरे तो गाइस इन लोगों को लेने दीजिए फोटोज वगैरह। हम लोग नहाते हैं फिर फ्रेश हो जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, फिर करेंगे डिनर। तो दोस्तों फाइनली नहाकर आ चुका हूँ मैं बाहर, अब चलते हैं किचन की ओर, खा लेते हैं कुछ यार, भूख आ रही है बहुत। घर पे जिस चीज का सबसे ज्यादा आनंद होता है ना वो चीज दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, दही राजमा और ये घी वाली रोटी है, डबल साइड होती है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। सारा श्रेय जाता है हमारी माता श्री को। ये जो रोटी है ना इनको खाते एक एक रोटी को इकट्ठे, नहीं तो नहीं मजा आता है। अच्छा दोनों रोटियां नहीं तोड़ते हैं साथ में? नहीं, ये तीन चार अंदर से लग रहा जिंदा हुआ फिर से। अभी अभी रहा थोड़ा। आप हम सब के साथ क्यों नहीं खाते हैं, हम सब के बाद क्यों खाते हैं आप? पहले पड़ता है अपने परिवार को खिलाना, उसके बाद खाती है और फिर खाना। भाई देखो यही तो सुंदरता है सनातन धर्म की, पहले पड़ता बोला अपने परिवार को खिलाना, उसके बाद पड़ता औरतों को खाना। ये सोच एक माँ की ही हो सकती है। ये मेरी माँ मेरे लिए दूध लेकर आए हैं और भाई जी के लिए भी, जो कि मैं ही पी लूंगा। क्यों भाई जी? ये तू कर ले पहले खत्म होए, तू पीता है ये भी होता है। अब बस मैं जा रहा हूँ अपने कमरे को सोने, मम्मी पापा को गुड नाइट करते हैं पहले। आज का दिन बहुत ही ज्यादा थकान भरा था, हालत खराब हो गई है, चड्डियां तक सुखा दी हमने जो गीली हो गई थी, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है भाई। एक तो पूरे दिन ट्रैवल किया वो भी बाइक में, ऊपर से बारिश, अभी तो फिर भी इतना मजा आ रहा है ना, सुकून सा मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि सो जाऊं, बस नींद आ रही है बहुत अच्छी। आने के बाद जो हम नहाए थे ना, मजा आ गया था, क्या मजा आया था, उसकी वजह से यार ये नींद। और उसके बाद मैंने खाना खाया मम्मी के हाथ का, क्या मजा आया भाई, क्या ही बोलूं, तो फिर अलग ही स्वाद है ना। फिर फिर अभी मैंने दूध पिया, अब मैं फुली स्टफ्ड हूँ, अब बढ़िया मेरी आंखें नम नम होती जा रही है और मेरे को नींद आ रही है बढ़िया। ये था आज का ब्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को आज का ब्लॉग देखकर कमेंट करके ज़रूर बताना यार, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की इस ब्लॉग में। और एक चीज़, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो फ्लड आया था उसके 2 महीने बाद मेरे विलेज में कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है, कितना रिकवर हो चुका है मेरा विलेज, तो उस ब्लॉग को मैं कल शूट करूंगा और इस ब्लॉग के पोस्ट होने के एक दिन बाद मैं उस ब्लॉग को भी पोस्ट कर दूंगा। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय बाय।